हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट 2019 जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है उसके पेपर वन का क्लास 1 to 5 के लिए हिंदी का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हटके। रोज़ हम टॉपिक डिस्कस करते थे कि क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते थे। आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोनों का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन बैंक के तौर पे। तो आज हम लेकर आई हूँ, आज हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बैंक। पिछले सालों के बहुत महत्वपूर्ण, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो, उनका हल, उत्तर भी साथ में, और MCQs के तौर पे वो काम करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि MCQs किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आती हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे कि UPSC मेंस का टॉपिक चल रहा है, सीटेट 2019 का टॉपिक चल रहा है, यूपी का लोअर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी जल्द ही, जैसे ही थोड़ा बहुत सिलेबस की हमें पता चलता है कि सिलेबस किस हिसाब से होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है लोअर का, तो अभी सिलेबस आया नहीं है वेबसाइट पे। जैसे ही सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कराना शुरू करेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट। तो इसीलिए और भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आने वाले हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर हर एक सटीक जानकारी देंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन बैंक, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, किस हिसाब का उनका पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बारीकी से देखेंगे आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि गद्यांशों में प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ये हमें दिया हुआ है, ये काव्यांश है, काव्य टाइप में दिया हुआ है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये रहे। तो मैं आपको भी आंसर नहीं दिखाऊंगी, पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये जो पूरा गद्यांश दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेक करेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो ये देखिए, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैरकर जाते हैं उस पार, घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं शियार, माँ तो बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ये क्वेश्चन में, ये पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पैराग्राफ, इसके ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमें दिए हैं। देखिए, जैसे कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, तो ये शब्द युग्म कौन कौन से आए, पुनरुक्त मतलब कि जो डबल होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, ये देखिए कि यहाँ दूर दूर भी आए हैं, ये दूर दूर, और यहाँ पर आए हैं जो सेम होते हैं, पुनरुक्त माने बार बार वही चीज, जैसे ऊंची ऊंची, यहाँ आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची भी आए हुए हैं। तो ये दोनों आए हैं ऑप्शन में, आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है दूर दूर और ऊंची ऊंची, ये दोनों है। गाय बैल है क्वेश्चन में, लेकिन पुनरुक्त नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम वर्ड नहीं है। यहाँ पर सेम वर्ड होता है पुनरुक्त, दूर दूर और ऊंची ऊंची अलग है, लेकिन ऑप्शन ए में दोनों है और क्वेश्चन में हमारा ये दोनों है, इसलिए हम सी और डी पे आंसर नहीं लगाएंगे, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, तैरकर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है, क्योंकि, क्यों रखा गया है तैरकर शब्द को पहले, क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है, वे क्रिया शब्द है और कविता में क्रिया शब्द पहले आता है। तो जब भी कोई कविता कही जाती है तो उसमें क्रिया शब्द पहले आता है, इस वजह से लेखक ने यहाँ पर तैरकर पहले दिया हुआ है। जब भी कविता कहेंगे तो पहला शब्द क्रिया आएगा, इसलिए। नेक्स्ट है, माँ तो बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती है, ये बताना है। लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है,
माँ को बुरा लग गया है इसलिए कहता है। लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो यहाँ पर है कि लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, क्योंकि माँ के इमोशंस को ख्याल में रखते हुए ये कहता है, अगर तू बुरा ना माने तो मैं नाविक यहाँ बन जाऊँ। ये जो पेपर मैं दिखा रही हूँ, ये सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ पूरा ये पैराग्राफ है, तो ये वहाँ से उठाया हुआ पूरा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, वह हल चलाना चाहता है। तो यहाँ पर जब आप पैराग्राफ दोबारा देखेंगे तो वहाँ एक लाइन लिखी है कि वह नदी के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसलिए लेखक नाविक बनना चाहता है। तो ये चार क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक पंक्तियाँ दी हुई हैं कविता की, तो उसके ऊपर हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन देखिए, दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, ब्रज वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। थोड़ा सा हार्ड आता है एग्जाम में, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी हिसाब से आपको पंक्तियाँ दी गई हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके बारे में क्वेश्चन क्या आया है वो ध्यान देंगे। गिरे विचार से क्या तात्पर्य, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये सीटेट जुलाई 2013 का पैराग्राफ लिया गया है यहाँ से, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आता है आपके पास। गिरे विचार से क्या तात्पर्य है, सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार, या उलझे विचार, ये चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, वज्र बन गिरे गिरे गिरा गिरे विचार पर, मतलब कि यहाँ सत्य से, यहाँ सेकेंड लाइन में लिखा है सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, मतलब कि यहाँ सत्य और हित से जो परे विचार होता है उसे बोलेंगे यहाँ गिरे विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ शब्द है, कौन से शब्द है जहाँ जहाँ, एकार्थी शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है, या भिन्नार्थी शब्द युग्म है। तो यहाँ अभी हमने पिछले में देखा था, जो पिछला हमने पैसेज किया था उसमें पुनरुक्त युग शब्द था, दूर दूर और ऊंची ऊंची। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ शब्द है वो पुनरुक्त है, क्योंकि सेम है यहाँ पर मीनिंग, विपरीतार्थक भिन्नार्थी और एकार्थी नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। अब इस पेपर को देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा गए होंगे कि ये व्याकरण से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं, दोनों पैराग्राफ में हमने कहा 2012 के पेपर में भी और 2013 के पेपर में भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर सिमिलर शब्द हमें बताना है। यहाँ पर ये भी देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जा रहे हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो दुराव शब्द से तात्पर्य दुर्गम स्थल से है, आवरण से है, काठिन्य मतलब कठिनाई से है, या बैर से है। तो आप जहाँ जब वापस पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ देखिए, दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव, दुराव माने बैर, सत्य से जहाँ जहाँ हमें बैर था, तो बैर यहाँ दुराव का मतलब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, सुराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, या अपनी शक्ति और गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो यहाँ है, वह अपनी, वह सुराज स्थापित करना चाहता, सुराज मतलब अच्छा राज्य स्थापित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, अहंकार को, सत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही हमें पता लग रहा है, अगर किसी दोबारा से आप पढ़ेंगे पैसेज तो आपको पता लग जाएगा कि अहंकार और असत्य को नौजवान शहीद ने यहाँ पर नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, पाप का विलोम शब्द क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है ये व्याकरण से रिलेटेड, प्राश्चित, अपाप, पुण्य, और इसका फोर्थ ऑप्शन है निरपराध। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि पाप का विलोम शब्द पुण्य होगा,
पुन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ पर हमारे दो पैसेज आज हमने किए और देखा कि कैसे पैसेज आते हैं एग्जाम में। आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन ज़्यादातर व्याकरण से पूछे जा रहे हैं, तो आप अपना व्याकरण का एरिया थोड़ा और मजबूत कीजिए। बाकी जो अब मेरी क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं व्याकरण जरूर आपको साथ के साथ कराती रहूँगी, ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा एरिया मजबूत हो जाए। और आने वाली क्लासेस में जैसा सिलेबस में लिखा है वो तो करेंगे ही, बट जैसा क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है हमें, हम उस हिसाब से काम करते हुए चलेंगे। पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारा भी हम साथ में लेके यहाँ पर चलेंगे हिंदी के पेपर में। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। और आप किस टाइप की वीडियो और देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी कठिनाई लग रही है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।